इस देश का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, वहाँ तक तो चलता है। लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे, मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो? इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का ये कोई तौर तरीका नहीं है। मैं आग्रह करता हूं अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें, लड़ें, मजबूती के साथ लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दोबारा अगर इस प्रकार की गतिविधि हुई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी धैर्य की सीमा है। और मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, जब मैं कहना शुरू करूंगा तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि तब मैं ये परिभाषित करूंगा कि वो स्पेंट फोर्स है क्यों। पूरा राजस्थान जानता है इसको। तो मेरा आग्रह है, बड़े नेता हैं बेचारे, परेशान है मैं जानता हूँ, अपनी पार्टी में ही परेशान है, अपनी पार्टी में लड़ लें पहले, फिर दूसरी पार्टी से लड़ लेंगे। धन्यवाद।